गाइस ट्रैक इन टेक टेक्नो रोवेस्टेक बर्नर ज्ञान थेरेपी ये सब क्रिएटर्स यहाँ पर 50K में बेस्ट लैपटॉप तो बता देते हैं बट हर वीडियो में बहुत सारे लैपटॉप्स होते हैं तो इसीलिए मैं आपके लिए हर एक बिग क्रिएटर के लैपटॉप्स में से मैंने यहाँ पर एक लैपटॉप को चूज किया एंड सारे यूट्यूबर से मैंने यहाँ पर टॉप 5 लैपटॉप्स यहाँ पर चूज किए है जो कि लिटरली अमेजिंग है विद डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड अंडर 50K। सो गाइज द फर्स्ट लैपटॉप ट्रैक इन टेक की तरफ से आता है यानी ट्रैक इन टेक ने इसको रिकमेंड किया दैट इज एक्सर एस्पायर 7। सो गाइज इफ यू टॉक अबाउट दिस लैपटॉप आपको यहाँ पर 8GB रैम 512GB की SSD देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है NVIDIA की तरफ से GTX 1650 जो कि 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है DDR6 एंड प्रोसेसर आपको यहाँ पर i5 10th जनरेशन देखने को मिल जाता है एंड बाकी के डिटेल्स आप जैसा स्क्रीन पर देख ही सकते हो। सो गाइज अगर से हम इसकी प्राइस की बात किया जाए सो आपको ये 53,000 में देखने को मिलेगा अगर से आप यहाँ पर ऑफर्स में खरीदते हो एंड बैंक कार्ड के डिटेल्स लगाते हो HDFC के सो आपको यहाँ पर ये अंडर 50,000 में देखने को मिल जाएगा। एंड गाइज अगर से आपको यहाँ पर AMD का प्रोसेसर चाहिए न्यू सीरीज का सो आप यहाँ पर AMD का Ryzen 5 का भी खरीद सकते हो बट गाइज वो आपको 55,000 में देखने को मिलेगा। सो माय लिस्ट में नंबर 2 पर निकल कर आ जा रहा है Lenovo IdealPad Gaming 3 एंड दिस इज रिकमेंडेड बाय द TechWarning। एंड अगर से आप लैपटॉप्स के बारे में ज्यादा देखते हो सो आपको ये जरूर पता होगा। सो अगर से हम इसके स्पेक्स के बारे में बात किया जाए सो आपको यहाँ पर 8GB रैम 512GB SSD देखने को मिल जाती है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है GTX 1650 जो कि 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है एंड प्रोसेसर i5 10th जनरेशन देखने को मिल जाता है जैसा आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। एंड इसमें मुझे अच्छी बात ये लगी कि इसमें आपको स्क्रीन में 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है जो कि गेमिंग में बहुत हेल्प होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस यहाँ पर आपको ये 53,500 का देखने को मिल जाता है एंड आप यहाँ पर ऑफलाइन या फिर ऑफर्स लगाकर आप अंडर 50,000 में से परचेस कर सकते हो। सो द नंबर 3 इज Asus VivoBook Gaming एंड दिस लैपटॉप इज रिकमेंडेड बाय द गीकी रंजीत एंड ये भी बहुत बड़े यूट्यूबर है जस्ट लाइक टेक बर्नर ट्रैकिंग टेक आप सबको पता होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पेक्स गाइस यहाँ पर आपको 8GB रैम 512GB SSD देखने को मिलता है प्रोसेसर आपको i5 9th जनरेशन डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड सेम है एंड बाकी के स्पेक्स आप जैसा स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। सो ये भी बेस्ट लैपटॉप है Asus की तरफ से दिस इज Asus नाम में ही काम होता है जस्ट लाइक एप्पल फॉर द फोन्स Asus भी बिल्कुल इसी तरीके से फॉर द लैपटॉप्स एंड द कंप्यूटर्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस यहाँ पर आपको ये लैपटॉप 55,000 देखने को मिलता है एंड आप ऑफर्स लगाकर 52,000-53,000 के अराउंड आप इसे परचेस कर सकते हो। सो द नंबर 4 लैपटॉप इज MSI GF63 दिस लैपटॉप इज रिकमेंडेड बाय द टेक्नोरुइस एंड आपको ये यूट्यूबर पता ही हो गया बहुत फेमस है मेरी तरह एंड आप भी फेमस हो सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा क्योंकि बाहर आप बोल सकते हो कि मैं टेक टाइमर्स का सब्सक्राइबर हूँ बहुत फेमस हो जाओगे सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइस अगर से हम इसकी स्पेक्स के बारे में बात किया जाए सो 8GB रैम 1TB हार्ड डिस्क देखने को मिलती है एंड प्रोसेसर आपको यहाँ पर i5 10th जनरेशन देखने को मिलता है एंड डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जैसे आपको सारे में देखने को मिला था इसमें भी देखने को मिलता है एंड सारे स्पेक्स आप जैसे स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। सो गाइस इफ यू टॉक अबाउट दिस प्राइस सो ये लैपटॉप आपको 54,000 में देखने को मिल जाता है एंड आप यहाँ पर ऑफर्स लगाकर 51,000-52,000 में से परचेस कर सकते हो। एंड अगर से आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क के साथ आपको यहाँ पर SSD चाहिए सो आपको इसके 57,000 देने पड़ेंगे जब जाकर आपको यहाँ पर 1TB हार्ड डिस्क प्लस 256GB SSD देखने को मिल जाएगा। इफ यू वांट देन आप प्राइस बढ़ा सकते हो बट ज्यादा कॉस्टिंग होगी मत जाना। सो द नंबर 5 इज Asus Stuff F15 एंड दिस लैपटॉप इज रिकमेंडेड बाय टेक बर्नर लिटरली गाइज मैंने टेक बर्नर का पूरा चैनल चेकआउट कर लिया उन्होंने एक वीडियो नहीं बनाया कि कौन सा लैपटॉप बेस्ट है बनाना चाहिए बनाइए हम जरूर देखेंगे। एंड रही बात इस लैपटॉप की सो ये लैपटॉप को मैंने चूज किया है भागकर मत जाना दिस लैपटॉप इज बेस्ट क्योंकि गाइस अगर से हम इसके स्पेक्स के बारे में बात किया जाए सो यहाँ पर आपको 8GB रैम 512GB SSD देखने को मिल जा रहा है एंड आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जा रहा है 4GB का GTX 1650 एंड यहाँ पर आपको प्रोसेसर i5 10th जनरेशन देखने को मिल रहा है बट द थिंग इज गाइस यहाँ पर आपको इसका रिफ्रेश रेट 144Hz देखने को मिल रहा है मीन्स गेमिंग तो बहुत मक्खन सी होगी लिटरली नेक्स्ट लेवल की गेमिंग होगी एंड दिस इज Asus एप्पल की तरह है
लैपटॉप्स में। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस, यहाँ पर ये आपको ओनली 53,000 में देखने को मिलता है बाय एडिंग द ऑफर्स, या फिर आप ऑफलाइन में खरीदते हो सो वहाँ पर ऑफर्स लगाकर आप इसे अंडर 50,000 में परचेस कर सकते हो। एंड मैंने जितने भी लैपटॉप्स बताए वो विंडोज 10 के साथ आते हैं एंड आप उसमें विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हो, बट दिस कम्स विद द विंडोज 11 आउट ऑफ द बॉक्स विच इज गुड। 144Hz विंडोज 11 लेस प्राइस विद ASUS ब्रांड, सो दिस लैपटॉप इज बेस्ट, आप इसे परचेस कर सकते हो। सारे लैपटॉप्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए। एंड बस आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। SSD देखने को मिलती है प्राइस, वही मैं क्या कह रहा हूँ।